शुरू करते हैं अभी क्वेश्चंस। तो सो फार हम लोगों ने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का थ्योरी इन डिटेल देखा है। सो वी नो ऑल द बेसिक्स ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नाउ विल गो अहेड विथ एग्जाम्पल्स। सो स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 14.2। कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स करस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड रेड लाइट गिवन दैट देयर वेवलेंथ आर 3000 एंगस्ट्रॉन्ग एंड 7000 एंगस्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टिवली। रिमेंबर दैट द फोटोन आर नॉट कलर्ड, कलर इज ह्यूमन परसेप्शन फॉर दैट फ्रिक्वेंसी रेंज। ठीक है, मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो वेवलेंथ बोला है 7000 एंगस्ट्रॉन्ग, उसको करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी होगी, वो फ्रिक्वेंसी का लाइट तुम्हारे आंखों में गया तो तुमको रेड कलर दिखेगा। दैट इज ह्यूमन परसेप्शन, फोटोन का कलर नहीं होता, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, डज नॉट मैटर। सेकेंड पार्ट, अ टिपिकल एफएम रेडियो स्टेशन हैज इट्स ब्रॉडकास्ट फ्रिक्वेंसी 98.3 MHz। वॉट इज द एनर्जी ऑफ एन एफ एम फोटोन ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी। सो सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में आपको दो वेवलेंथ दिए हुए हैं, एक है अल्ट्रा वायलेट लाइट लैमडा वन 3000 एंगस्ट्रॉन्ग। अभी मैं पहली बार बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद तुमको याद रखना है 3000 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻¹⁰ मीटर। तो इसके आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3 × 10⁻⁷ मीटर। ये 3 0 और 10⁻¹⁰, तो 10⁻¹⁰ आ गया। और सेकेंड वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 7 × 10⁻⁷ मीटर। तो ये पार्ट ए में गिवन था, और पार्ट ए में पूछा गया है एनर्जीज, राइट? तो आपको फाइंड करना है पार्ट ए में एनर्जीज ऑफ दिस टू फोटॉन्स, मतलब E1 और E2, ये फाइंड करना है पार्ट ए में। ओके, अब पार्ट बी में वेवलेंथ की जगह पे दे दिया तुमको फ्रीक्वेंसी। तो इन द पार्ट बी यू हैव बीन गिवन फ्रीक्वेंसी। तो पार्ट बी में आपको दिया है फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना फ्रीक्वेंसी दिया है, 98.3 MHz, मतलब 10⁻⁶ हर्ट्ज। और इस केस में भी आपको एनर्जी ही पूछा है, तो यहाँ पे भी आपको एनर्जी पूछा है, आपको यहाँ पे भी पूछा है एनर्जी। तो दोनों ही केसेस के लिए फॉर्मूला सेम लगने वाला है। यू नो इफ यू वांट टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फोटॉन, कैसे फाइंड करते हो, एच नोट। अगर आपको फ्रिक्वेंसी के पे वेवलेंथ दिया हो तो सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व केस वन। केस वन में पहला E1, E1 क्या आएगा, एच सी बाय लैमडा वन, एच सी बाय लैमडा वन, सिंपल। अब एक काम और करना, अगर आपको टाइम बचाना है तो ये आपको जेई नीट में सीईटी में बहुत काम में आता है। देखो ये एच सी एच सी एच सी एच सी बहुत जगह पे आने वाले। फिर काम करो, एच इंटू सी की वैल्यू कैलकुलेट करके याद रख लो, तो बहुत जगह पे आएगा ये। व्हाट इज एच, 6.63 × 10⁻²⁴ इंटू 3 इंटू 10⁻⁸। लैम्डा वन की कितनी होती, 3 × 10⁻²⁻। ओके, तो ये 6.63 इंटू इंटू 6.63 × 10⁻³⁴ इंटू 3 × 10⁻⁸, ये आपका नॉर्मली आता है 2 × 10⁻²⁵। कितना आता है, 2 × 10⁻²⁵। कैसे आता है बता देता हूँ, 6.63 × 3 रफली रफली 20 होता है, 6.63 × 3 रफली रफली कितना हो गया, 20, 19.89। ठीक है, 20 मान लेता हूँ मैं, कितना मान लिया, 20, 19.89 है लेकिन मैंने 20 मान लिया। −34 + 8 −26, तो 20 × 10⁻²⁶, मतलब 2 × 10⁻²⁼। दैट इज वाई सी टी जेई नीट एच सी, मतलब 2 × 10⁻²⁵। यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, चलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिर बोर्ड्स में आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो कर लो, टाइम है तुम्हारे पास, और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है ना, क्योंकि देखो ये 7 -7 ऊपर गया तो प्लस, प्लस 6.63 10⁻³⁴ और 10⁻⁶ कितना आ गया, कितना आ गया, अरे -19 होगा ना, −34 और 15, −34 और +15, तो 10⁻³⁵।
-19 जूल, बराबर है। और फोटोन का एनर्जी कभी भी जूल में नहीं देते हैं ईवी में, तो पहले तुमने जूल में फाइंड किया, जूल में क्यों आया एच, जूल एच जो तुमने लिखा वो जूल सेकंड था, ऐसा यूनिट था। सी जो तुमने लिखा वो मीटर पर सेकंड था, ऐसा यूनिट था। लैम्डा जो तुमने लिखा वो किसमें लिखा, मीटर में, ऐसा यूनिट था। तो आंसर किसमें आएगा, ऐसा यूनिट में। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल। फिर तुमको ये पता होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो 1 जूल इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमको जब ईवी से जूल में जाना है तो चार्ज से मल्टीप्लाई करो, ईवी से जूल में जाना है तो, जूल से ईवी में आना है तो चार्ज से डिवाइड करो, चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो डिवाइड कर लो। तो तुम्हारे पास यहाँ पे जूल था, ईवी में जाना है, जूल था और ईवी में जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड, किससे डिवाइड, 1.6 × 10⁻¹⁹ ईवी, 10⁻¹⁹ तो कैंसिल हो गया, 6.63/1.6, 4 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो यू विल गेट 4 पॉइंट समथिंग, 6.63 / 1.6, 4.14, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। गुड, सिंपल, ये हो गया पहला पार्ट, पहले पार्ट का पहला पार्ट खत्म। अभी दूसरा E2, वही सेम HCY, नाना 2, और मैं तुमको अभी बताया 19.89 × 10⁻¹⁶, अरे 2 × 10⁻¹⁵, तो 1.989 × 10⁻¹⁵, इधर 19 पॉइंट लिखा है तुमने, बराबर है, एब्सोल्यूटली करेक्ट है। लैम्डा टू कितना था, 7 × 10⁻¹⁷, ये -7 ऊपर गया तो क्या हो गया, +7, तो कितना हो गया, -19, -19, और आएगा जो आंसर जूल में, 19.89 / 7, 2 पॉइंट समथिंग, 2.5, 2.84, ठीक है, 19.89 / 7, 2.84, 841 ये आ गया जूल में। तुमको इसमें चाहिए ईवी में, ईवी में लाने के लिए क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो 2.84 × 10⁻¹⁹, और यहाँ पे 1.6 × 10⁻¹⁹ ईवी, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1.78 ईवी, ये हो गया E2 का वैल्यू। ये हो गया पार्ट ए खत्म, अब करेंगे पार्ट बी स्टार्ट। पार्ट बी तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुमको फ्रिक्वेंसी दिया है, एनर्जी फाइंड करना है, व्हाट इज एनर्जी एच, नो व्हाट इज एच, 6.63 × 10⁻¹⁴, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 98.3 × 10⁻¹⁶, 98.3 × 10⁻¹⁶, ये आएगा आपका जूल में, जूल में आएगा ना, सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखोगे तो आंसर किस में आएगा, ऐसा यूनिट में आएगा, तो आंसर क्या है, जूल है। ओके कर लो सॉल्व, 651.73 10⁻¹⁸ जूल में आ गया, ठीक। इसको क्या चाहिए, ईवी में कन्वर्ट करना है, तो वापस से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 651.73 10⁻¹⁸ upon 1.6 × 10⁻¹⁹, ये आ जाएगा आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 10⁻²⁸ और -19, तो 10⁻²⁻¹⁹, सही है ना, अरे सही है कि नहीं, तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बोला करो कि हाँ सही है, इट इज करेक्ट। 651 पॉइंट क्या आया था, 73 / 1.6, कितना आ गया, 407.33, 407.33,
हो गया। एक काम करना, इसको तुम माइक्रो में लिख सकते हो, माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये माइक्रो में लिखोगे तो 10^-3 इसको दे दो, तो 0.407 × 10^-6 मतलब 0.4 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फोर्टीन पॉइंट थ्री। द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 0.1 वाट रेस्पेक्टिवली, बिकॉज एज यू नो इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो बराबर दिया हुआ है वाट। आगे क्या बोला है, तो रिस्पेक्टिवली ये दिया हुआ है। व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। ओके, क्वेश्चन समझा? नहीं तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास एक लाइट है, उसका वेवलेंथ है, कितना वेवलेंथ है उसका, कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब 4 × 10^-7 मीटर। और वो जो लाइट है उसका इंटेंसिटी दिया हुआ है आपको 0.1 वाट का, और आपको पूछा है यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी, व्हाट इज डेल्टा ई, व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी, और आपको पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। अभी समझा कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझा, फाइंड कैसे करना है बाद में देखेंगे, क्वेश्चन समझा क्या। ये सिंपल क्वेश्चन है, लाइट है, इंटेंसिटी है 0.1, और वो जो लाइट है उसका वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, और आपको पूछा है कि मिनिमम चेंज कितना होगा एनर्जी में, और पूछा है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है। अब आपका मेन कन्फ्यूजन है कि मिनिमम चेंज मतलब क्या है ना, यही मेन कन्फ्यूजन है। व्हाट इज द मिनिमम मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी, इफ आई इंक्रीज इंटेंसिटी व्हाट डज दैट मीन, नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज। सही है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, जीरो इंटेंसिटी मतलब जीरो फोटॉन, वन इंटेंसिटी मतलब वन फोटॉन। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ऐसा सम इमेजिन कर लो, जीरो इंटेंसिटी जीरो फोटॉन, वन इंटेंसिटी वन फोटॉन, टू इंटेंसिटी टू फोटॉन, थ्री इंटेंसिटी थ्री फोटॉन। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स, व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तुमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, मिनिमम चेंज इन एनर्जी। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो कम से कम कितने फोटॉन बढ़ सकते हैं। अरे चलो एक और सिंपल एग्जांपल, मान लो तुम सब फोटॉन्स हो, बराबर, राइट राइट, और एक आके बैठ गया, तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स, वन। तो व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन द नंबर ऑफ फोटॉन, वन, राइट, बराबर। तो व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, व्हाट इज एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। एक्चुअली तो पूछा वही है, सिर्फ घुमा फिरा के पूछा है। तो मिनिमम चेंज इन एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, दैट इज एच सी बाय लैम्डा, बराबर। सही है, समझ में आया अभी, पक्का, श्योर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, मेरे पास अगर एक फोटोन है, एक, व्हाट इज एनर्जी, ई ई। अगर मेरे पास दो फोटोन है, व्हाट इज एनर्जी, टू ई। तीन फोटोन है, थ्री। एन फोटोन है, व्हाट इज इंटेंसिटी, एनी। और तुमको क्या फाइंड करना है, एंड कैसे फाइंड करोगे, आई बाय ई, वेरी गुड। मिनिमम चेंज, मिनिमम चेंज इन एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब मेरी मर्जी है उसको मैं डेल्टा ई लिखूं या फिर मैं उसको ई लिखूं, तो तुमको यहाँ पे भी ई लिखना पड़ेगा। व्हाट इज एन, आई बाय ई, वेर ई इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अभी समझा क्वेश्चन की, अभी भी नहीं समझा क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट, नहीं समझा, नहीं
मैं रिपीट कर दूंगा इफ इट इज नॉट क्लियर। पक्का? ऑल क्लियर? श्योर श्योर? पक्का पक्का? तो जब तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हो, कम से कम कितने फोटोन बढ़ते हैं? वन। तो व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन एनर्जी? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, मतलब क्या? एच ई बाय लैम्डा। ठीक, बराबर। अगर मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने हो, इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। तो व्हाट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स? इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी। चलो हो गया, ठीक है। तो इक्वल टू, अभी एच सी मैंने कितनी बार बोला कि याद रख लेना, 19.10^-26। और वेवलेंथ कितना है? 4×10^-7। कितना आ गया? 0.5। हाँ, लो 5 के आसपास। 5 नहीं है एग्जैक्टली, 5 के आसपास है। 19.89, 19.89 डिवाइड बाय 4, 4.9725, 4.9725। ये किसमें आएगा? जूल में। ईवी में कैसे करोगे? डिवाइड बाय 1.6×10^-19 ये आ जाएगा ईवी में। तो 4.97 को 1.6 से डिवाइड कर लो तो 3 point something आएगा। डिवाइड बाय 1.6 तो 3.10, 3.10 ईवी। दैट इज द मिनिमम चेंज ऑफ एनर्जी। देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर व्हिच इज आई बाय ई। आई इज 0.1 और ई कितना आया? 3.1। तो 0.1 अपॉन 3, मतलब 1/30, 1/3 इज 0.333, तो 0.0333 ऐसा आना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 0.1 डिवाइडेड बाय 3.1, तो 0.0333 आ गया ना, 0.0032। बराबर है, जूल में है। बराबर, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, मैं पूछने ही वाला था। बराबर है। हाँ, नंबर कभी सुना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इज 0.03 और इंटीजर वैल्यू आती है, राइट? तो तुम थोड़ा सा एक काम हमेशा हमेशा याद रखना, थोड़ा सा यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द रियलिटी ऑल्सो। नंबर ऑफ फोटॉन्स कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। कभी सुना है क्या? आई हैव 0.001 नंबर ऑफ फोटॉन्स, नहीं हो सकता है ना। हाँ, तो ई जूल में चाहिए। कितना है? कितना है? 4.9725×10^-19। ऊपर जाके +19, और 10^-1 ऑलरेडी है ऊपर, तो 10^18 डिवाइड बाय, बस ये कर लो, 1/1 मिल जाएगा। कितना है ये? 1/4.9725 कितना आ गया? 0.2। ठीक है, तो 0.20 या 0.2 ही लिख लेता हूँ मैं। ठीक, 10^18, तो 2×10^17। कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है? कितनी इंटेंसिटी में? 0.1 इंटेंसिटी में। कितने हैं? 2×10^17। मैंने इसलिए आपको बोला था, तुम सिर्फ इमेजिन करो, वन इंटेंसिटी इज वन फोटोन। ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज वन इंटेंसिटी? हाउ मच फोटॉन्स? 18। 18। 0.1 में अगर 2×10^17 है तो 1 में कितना होगा? 2×10^18 यूनिट, यूनिटलेस नंबर है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का चार फॉर्मूला या पांच फॉर्मूला बताया था, उसमें एक स्ट्रिक्ट बताया था कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए होगा है, और करेक्शन बताया था 1.228/√V नैनोमीटर या फिर 12.28/√V एंगस्ट्रॉम। तो वोल्टेज दे दिया आपको, आपको पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हमारा काम तो बहुत ही आसान हो गया। हमको गिवन पैरामीटर में वी दिया हुआ है 120। मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए इसको 121 मानने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि 121 का रूट पता होता था, 11, ठीक है ना। और आपको फाइंड करने के लिए बोला हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और हमको फॉर्मूला पता ही है।
पता है ना, वेवलेंथ इज 12.28 अपॉन रूट ऑफ वी एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये आ गया आपका 12.28 अपॉन 11, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 12.28 अपॉन रूट ऑफ 120 एंड स्ट्रॉन्ग, तो 12.28 डिवाइडेड बाय 11। जीरो कैसे आएगा यार, 1 से ऊपर जाएगा? नहीं, एंगस्ट्रॉम नहीं लिखा मैंने। अच्छा हाँ, नैनोमीटर में 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 12.28 डिवाइडेड बाय 11, 1.116। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 14.5, अ स्टूडेंट वेइंग 45 किलोग्राम। तो 45 किलोग्राम स्टूडेंट का मास है, मतलब ठीक है वेट करोगे तो 45 g हो जाएगा वो। ओके, उसको वेट गेन करने की जरूरत है, मतलब सिर्फ 45 kg है। ठीक है, एनीवेज जोक्स अपार्ट, इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। तो उसका स्पीड दिया है, मैंने आपको बताया था कि डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ फाइंड करना है, स्पीड दिया है तो एच अपॉन एम बी करना पड़ेगा, मतलब एच अपॉन एम बी वाला केस है यहाँ पे। ठीक, ऑन अ फुटपाथ 2 मीटर वाइड, तो वो जिस फुटपाथ पे भाग रहा है उसका विथ, फुटपाथ का विथ इज 2 मीटर। अ स्मॉल कार वेइंग 1200 किलोग्राम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ऑन अ 20 मीटर वाइड रोड। तो एक कार है जिसका 1200 kg का मास है, उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और वो जिस रोड पे चल रहा है गाड़ी, उसका विथ है 20 मीटर। ओके, कैलकुलेट द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ। तो दोनों का डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ बताओ, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बेसिकली क्या है ना, दो अलग अलग केसेस है, मास ऑफ स्टूडेंट, स्पीड ऑफ स्टूडेंट, मास ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार। ये है 45, ये था आई थिंक 8 × 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, फिलहाल ऐसे रखता हूँ मैं। व्हाट इज मास ऑफ कार? 1200 kg, एंड दिस इज हाउ मच? अच्छा, ये VC है, कार है, कार कार 60 × 5/18 ओके मीटर पर सेकेंड। फाइन, और दोनों ही केस में यू आर सपोज टू फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ स्टूडेंट एंड दैट ऑफ कार। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स फॉर्मूला आपको पता है ही, एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो दोनों का एक एक करके फाइंड कर ही लो। एच पहला फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट का, एच अपॉन एम एस वी एस 6.63 × 10^-34 अपॉन मास ऑफ स्टूडेंट इज 45, और स्पीड जो था वो क्या था, 8 × 5/18 ऐसे ही था ना। चलो ठीक है, 9 × 2 = 9, 5 × ऐसा ही है। सही है, गुड गुड, ये 2 को ऊपर भेज देंगे। अच्छा चलो, वो भी कर सकते हो, 1 × 4, तो कोई बात नहीं, 6.63। ठीक, नहीं नहीं रुको रुको, 20 × 4 मतलब 100, 100 है ना, 100 ऊपर जाएगा, 10^-36 हो जाएगा, राइट मीटर, वही आना चाहिए। और मैंने बताया था द मिनिमम थ्योरेटिकल लेंथ दैट यू कैन मेजर इज प्लैंक लेंथ, वो 10^-34 होता है, ये 36 है। तो नॉट डिटेक्टेबल ऑफ कोर्स, इसलिए जब स्टूडेंट भाग रहा होगा तो यू कैन नॉट सी वेव लाइक मोशन। और कार का भी ऐसे ही आएगा, एच अपॉन एम सी वी सी 6.63 × 10^-34, मास ऑफ कार था 1200, 12 × 100 और 10^2 अलग कर दिया मैंने, वी क्या था वी, आई डोंट रिमेम्बर, 60 × 5/18। चलो ठीक है, 2 × 3 = 1 × 20 = 20 × 500, और ये 100, 10^4 ऊपर जाके -4, तो 6.63 × 10^-38 डिवाइड बाय
हाँ ये 2 रह गया, तो डिवाइड बाय 2 रह गया, तो ये हो जाएगा आपका 3.315। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 14.6। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 eV पासिंग थ्रू सर्कुलर होल ऑफ डायामीटर 2 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास हो रहा है, कौन से एपर्चर से पास हो रहा है, वी डोंट केयर। हमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और गिवन क्या है, काइनेटिक एनर्जी। याद है क्या, ई के कितना है, ये 100 eV। लेकिन ईवी में चाहिए क्या, नहीं, जूल में चाहिए, 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है ना, जूल में आ जाएगा ये, जूल में। एक काम करो, ये 1.6 का पॉइंट हटा दो, तो 100 का 10 इसको दे दो और 1 10 इसको दे दो, 16 × 10⁻¹⁸। अब इसमें कुछ मत करना, क्योंकि तुमको पता है अंडर रूट ऑफ 2m होता है, तो 2m ई के, तो रूट में आएगा 16, तो रूट 4 हो जाएगा वो। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन 12.28/√V नहीं यूज करना है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि तुमको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ई के, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली दिस इज टू सिंपल कैलकुलेशन, 6.63 × 10⁻³¹ 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 होता है, लेकिन मैं 9 ले लूंगा, × 16 × 10⁻¹⁸। तो अब लैम्डा इक्वल टू 6.63 × 10⁻³¹ 34, 9 का रूट 3, 4, 16 का रूट 4, तो 3 × 4 आ गया बाहर, इसको बाहर ही रखो। अंदर क्या बचा, 2 × 10⁻²⁹ 10⁻²⁹ 10⁻²⁹ 10⁻²⁹ मुझे पता है -49, मैं सिर्फ जानबूझ के ये कर रहा हूं, क्योंकि पहली बात रूट के अंदर ऑड है, और रूट के अंदर ऑड पावर रहा ना, तो रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो, बराबर, तो उसको इवन करना। और दूसरा 20 का रूट रफली रफली तुमको पता ही है, 4.5 के आसपास आता है वो। तो वन एंड हाउ मच, 2.21, और 2.21/4, और 20 का रूट में लिखता हूँ बाद में, लेकिन ये -50 का रूट, -25 ऊपर जाके +25, तो -34 और +25। और ये जो 20 का रूट था, अभी एग्जैक्टली करना पड़ेगा, आंसर मैच नहीं होगा अदरवाइज, 20 का जो स्क्वायर रूट था, 4.47, 4.47, 4.47, ठीक है, ⁴ कर लो, ⁴ कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं, कितना आ गया, 17.888। चलो ठीक है, 17.88 ले लेते हैं, और ऊपर क्या था, 2.21 था ना, 2.21 डिवाइडेड बाय 17.88, कितना आ गया, 0.123, क्या नंबर आया, वेरी गुड, 0.123 × 10⁻¹⁹ -9, तो नैनोमीटर में आ गया, तो 0.123 नैनोमीटर। अभी आंसर होना चाहिए, एग्जाम्पल 14.6 है, बराबर है, 1.23 एंगस्ट्रॉम, 0.123 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल सिर्फ 6 ही थे, तो उसमें से 5 हमने कर लिए, फर्स्ट वन विल सी लेटर इफ रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स,
व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको फ्रीक्वेंसी बता दिया, कितना फ्रीक्वेंसी दिया है, 5 × 10^14। और क्या पूछा है, क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वेरी डिफिकल्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी? आई होप यू अंडरस्टैंड सरकैज़म, है ना। बहुत डिफिकल्ट मतलब बहुत इजी। तो एच नू, एच इंटू नू, सिंपल, टी इक्वल टू एच नू। एच कितना है, 6.63 × 10^-34, और फ्रिक्वेंसी कितना है, 10^14। ये आ जाएगा आपका जूल में। तो ई इक्वल टू, देखो एक काम करना, सबसे पहले अच्छे से समझ लो, ये जो 6.63 × 5 है ना, इसको इंटू 10 करो, डिवाइड बाई 2 कर लो। इंटू 10 किया तो 66.3, डिवाइड बाई 2 कर लिया तो 33.15। तो 33.15 × 10^-20 बराबर सही है, यही आएगा। ओके, और अभी काम करना, तुमको ईवी में चाहिए होता है तो ईवी में डिवाइड बाय 1.6 × 10^-9 ऐसा चाहिए ना, ऐसा चाहिए ना, -19 चाहिए ना तुमको। तो -20 का जो एक माइनस है, जो 10^-1 है, वो इसको दे के ऐसा कर लो, बेटर ऑफ। सही है, बराबर है ये, हाँ कि नहीं, बराबर है ये, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 10^-20 का माइनस वन इसको दोगे तो डेसिमल शिफ्ट होगा ना एक, तो इसको तुम ईवी में जब लिखोगे, तो जब तुम इसको ईवी में लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, आ गया, तो आंसर आएगा आपका 2 point something, 2 point something ईवी, 2.07। तो 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है, सीईटी जेई नीट तीनों में ही आ सकता है, तो हैव प्रॉपर अटेंशन हियर, स्पेसिफिकली फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब तुम मेजर कर रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना। बाय वेरिंग द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, बाय वेरिंग द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी वे आर प्लॉटेड। तो क्वेश्चन में आगे पढ़ू, उससे पहले आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड, मुझे बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी का क्या रिलेशन है, बताओ बताओ बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। वो लीनियर ग्राफ था, और वो जो ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जहां पे कट करता है वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक्सेलेंट, तो इतना पता है, तो अभी आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। स्लोप ऑफ द लीनियर कर्व, देखो बोला है, लीनियर कर्व वॉज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली 4.1 × 10^-15 वोल्ट सेकेंड। तो तुमको कम से कम आइडिया मिल गया वोल्ट सेकेंड, मतलब प्रोडक्ट किसका किसका होगा समझ में आ गया। गिवन दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10^-19 कूलम, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच। तो हमको प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो पता है, कॉन्स्टेंट है वो 6.63 × 10^-34, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो तुमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस पर जो तुमने ऑब्जर्वेशन लिए उस पर जो तुमने ग्राफ प्लॉट किया किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रिक्वेंसी का, उसका स्लोप दिया हुआ है, और वहां से तुमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एच की वैल्यू, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तो इफ यू रिमेंबर इट इज गुड, इफ यू डोंट रिमेंबर इट इज नॉट गुड, यू शुड रिमेंबर दिस फ्रिक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ, यू मस्ट रिमेंबर, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा दिखता है, हमने सिर्फ लोअर पार्ट डिस्कस नहीं किया था, हमको जरूरत नहीं थी तब। तो यहाँ पे ये होता है आपका थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ऐसा ग्राफ होता है। सिर्फ ग्राफ क्यों ड्रॉ किया आगे समझेगा आपको, अभी हमको जो गिवन पैरामीटर दिए है ना उसमें हमको स्लोप बता दिया है ग्राफ का, 4.1 × 10^-15 वोल्ट सेकेंड।
अब ये स्लोप मतलब एग्जैक्टली कि हम आएंगे, यू विल सी दिस इन अ वाइल। और आपको चार्ज बताया इलेक्ट्रॉन का, दैट इज समथिंग विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, हमको पता ही होता है चार्ज इज 1.6 × 10⁻¹⁹, वो ठीक है। तुमको फाइंड क्या करना है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट फाइंड करना है तुमको, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट मतलब एच। क्या करोगे, कैसे करोगे? इक्वल टू एच में से होने वाला होता तो ग्राफ की जरूरत क्या थी, एच नो इक्वल टू। देखो ऑलवेज ऑलवेज बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, तुम्हारे पास क्या डेटा है उस पर ध्यान होना चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ स्लोप है, सिर्फ स्लोप है, किसका स्लोप है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रिक्वेंसी का। और उन्होंने बोला है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज एप्लीकेबल है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एप्लीकेबल है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के तीन फॉर्मूला बताए थे तुमको मैंने, बस देखो नहीं नहीं याद है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुमको थ्योरी पता है सफिशियंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और इलेक्ट्रॉन गया, फोटोन आया एच नू आया, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ वर्क फंक्शन 5-0, इलेक्ट्रॉन गया काइनेटिक एनर्जी, तो एच नू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक, टुवर्ड्स काइनेटिक एनर्जी, एच नू माइनस वर्क फंक्शन, यहाँ तक क्लियर, काइनेटिक एनर्जी एच नू माइनस वर्क फंक्शन। हमारे पास क्या काइनेटिक एनर्जी का इन्फॉर्मेशन है, नहीं है हमारे पास, नहीं जीरो किसने बोला, किसने बोला नहीं, आगे सुन लो, तुम्हारे पास स्पीड का इन्फॉर्मेशन है, नहीं है, तुम्हारे पास ग्राफ किसका है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या, हैव वी सीन एनी इक्वेशन इन विच यू राइट काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी को तुम क्या लिखते हो, ईवी जीरो, तो वहां से स्टार्ट करना। तुमको अगर नहीं समझ में आए ना तो फिर कम से कम तुम्हारे पास डेटा क्या है वो देख लेना। तो हमको पता था, मैं लिख अभी के लिए लिख देता हूं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए, एच नू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच नू माइनस वर्क फंक्शन, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होता है ईवी जीरो इक्वल टू एच नू, और वर्क फंक्शन होता है एच नू जीरो। अब बोलोगे नू जीरो क्यों लिखा, ग्राफ जहां कट करता है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होता है। यहां तक क्लियर आ गया, यहां तक क्लियर आ गया, हो गया बराबर। अब इसके आगे सोचना पड़ेगा, तुम्हारे पास स्लोप की वैल्यू है, ठीक है, स्लोप मतलब एम, व्हाट इज एम, y2 − y1 / x2 − x1, ठीक, उसको अगर शॉर्टकट में लिखो तो dy/dx, उसको और शॉर्टकट में लिखो तो y/x, ठीक, तो स्लोप स्लोप है तुम्हारे पास, तो स्लोप क्या होता है, y/x होता है, y कौन है, v0, x कौन है, हाँ, तो ये समझ में आ गया, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, mx, y इक्वल टू mx, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, वेट लेट मी कंप्लीट, उसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y इक्वल टू mx प्लस c, और नेगेटिव है तो y इक्वल टू mx माइनस c, ये प्लस c वाला कैसे कि माइनस c, वो माइनस दिख रहा है तुमको, बराबर बीच में दिख रहा है, yes, है। अभी सिर्फ तुमको इसको y इक्वल टू mx माइनस c के फॉर्म में लाना है, y इक्वल टू व्हाट इज y हियर, तो सिर्फ वी जीरो चाहिए, तो वी जीरो रखा और e को डिवाइड कर दिया, बराबर, ओके कर दिया डिवाइड, यस ठीक, बराबर। अब इसके बाद क्या करोगे, कंपेयर कंपेयर y इक्वल टू एम एक्स, वॉट इज y, वी जीरो, वॉट इज x, फ्रिक्वेंसी, और ये तो कॉन्स्टेंट होता है ना, ये तो इंटरसेप्ट होता है, उसको छोड़ दो वो इंटरसेप्ट है, ठीक, वॉट इज स्लोप, वॉट इज स्लोप फ्रॉम हियर, हाँ h बाई e, देयर फोर स्लोप विच इज बेसिकली m इज इक्वल टू h बाई e, h बाई e तुमको क्या चाहिए था, h तो h क्या है, एम ई, एम क्या है, 9.1 × 10⁻³¹, नहीं है स्लोप है, स्लोप है, नहीं तो मास के यहाँ पे लिख दोगे, पुट डाल दोगे मास, तो कितना आ गया
4.1 इंटू 10^-15 इंटू ई कितना 1.6 इंटू 10^-19, ठीक -34 आ गया, और होता ही -34 है, वो तो जूल सेकंड में आता है। 4.1 इंटू 1.6 6.56, 6.56 इंटू 10^-34 जूल सेकंड, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन इज 2.76 इंटू 10^-5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर ए, सब क्वेश्चन ए, एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन 2.76 इंटू 10^-5 सेंटीमीटर। हमको ऑलरेडी पता है वेवलेंथ सॉरी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से कम हो तो इमिशन होता है क्या? नहीं होता है, बराबर। तो हमने देखा था कि अगर अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो तो होता है क्या इमिशन? नहीं, नहीं होता ना। इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इमिशन, इफ वेवलेंथ इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड नो इमिशन, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तुमको वो शो करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे मैथमेटिकली बताना पड़ेगा कि नहीं होने वाला, ठीक। व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब बी में और दो केसेस है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1.8 इंटू 10^-5 सेंटीमीटर इज यूज एंड रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10^15 हर्ट्ज इज मेड टू इंसिडेंट ऑन टंगस्टन सरफेस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे दो केसेस हैं, एक है ए केस एक है बी केस। बी केस में दो सब केसेस है, वन एंड टू। ए केस तो सिंपल है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि व्हाई देर इज नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर वेवलेंथ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 2.76 इंटू 10^-5 सेंटीमीटर। फिर बी केस में आपको फाइंड करना है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं सिर्फ बी केस का ही डेटा लिख दूंगा यहाँ पे। बी केस में आपको क्या गिवन है? पहला 1.8 इंटू 10^-5 मतलब -7 मीटर में, ठीक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10^15 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब फॉर्मूला आई विल नॉट राइट डाउन, आई डायरेक्टली स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। केस ए, अब एक्सप्लेन करने के अपने अपने तरीके होते हैं। अब ऐसा बोल देना कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज एच नो माइनस नो देर, देर इज नो इमिशन, देर इज नो इमिशन इफ इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड। अभी ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो गई, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती है क्या? नहीं। इसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखा, तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब ये कंडीशन बन गई किसके लिए? नो इमिशन के लिए। किसके लिए? नो इमिशन के लिए। तो ये कंडीशन है नो इमिशन का, फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड नो इमिशन, ये कंडीशन है। फिर हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी बाय लैम्डा, सी सी कैंसल और इंटरचेंज हो गया, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज ग्रेटर देन गिवन वेवलेंथ, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो ना अगर गिवन वेवलेंथ ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो तो इमिशन होगा क्या? नहीं। तो वही तो है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है? 2.76 इंटू 10^-5। और उन्होंने क्या बोला है? एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन। तो हमने शो कर दिया अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है तो इमिशन होगा क्या? नहीं होगा। तो केस ए खत्म हो गया यहाँ पे, देयर फोर देर इज नो इमिशन, ऐसा लिख देना बस। पार्ट टू मतलब पार्ट बी का पार्ट वन क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोटोन का एनर्जी नहीं पूछा है, किसका पूछा है? तो कैसे करेंगे? अभी लिखा था फॉर्मूला, अभी लिखा था फॉर्मूला मैंने यहाँ पे,
बताओ व्हाट इज कैनेटिक एनर्जी। एच नू माइनस वर्क फंक्शन, बराबर। यहाँ से स्टार्ट कर लेते, जो पता है वहीं से स्टार्ट कर लेना। पहले केस में तुमको क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, वेवलेंथ क्या चाहिए यहाँ पे, वेवलेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसा लिखू क्या, एच सी बाय लैम्ब, देख सकते हैं ना, देख सकते हैं, सही है। माइनस वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन, एच नू जीरो, एच नू जीरो। अभी तुम्हारे पास नू जीरो है कि तुम्हारे पास लैम्डा जीरो है, लैम्डा जीरो है, तो फिर मैं यहाँ पे नू जीरो को क्या लिखूँ, सी बाय, वेरी गुड, तो इसको क्या लिखोगे, सी बाय लैम्डा जीरो। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, एच सी कॉमन निकलेगा, और क्या आएगा, वन बाय लैम्डा माइनस वन बाय लैम्डा जीरो, बन गया फॉर्मूला पहले केस का। अभी भी जिनको नहीं समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वापस समझा देता हूँ। तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, जो भी वैल्यू है 2.76 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। आपको पूछा है हमारे पास अगर इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ 1.8 × 10⁻⁷ मीटर होता, तो जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने वाले थे उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, एच नू माइनस वर्क फंक्शन। ये तो तुम कभी भूलोगे नहीं, ये तो भूल भी गए तो याद आ जाएगा ना, एच नू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, एच नू माइनस वर्क फंक्शन। मतलब तुमको स्टार्ट हमेशा यहाँ से करना है। अब तुमको ये सोचना है कि मेरे पास क्या क्या क्वांटिटी है, इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ कितना है, मतलब लैम्डा 1.8 × 10⁻⁷, ठीक। तो मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है पहले केस में, क्या दिया है, वेवलेंथ, तो मैं नू को क्या लिखूंगा, सी बाय लैम्डा, ठीक। मेरे पास वर्क फंक्शन भी नहीं है, लेकिन मेरे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो पहले मैं वर्क फंक्शन को लिखूंगा एच नू जीरो, और फिर नू जीरो को लिखूंगा सी बाय लैम्डा जीरो, और एच सी को निकाल लूंगा बाहर। तो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। अभी तुम्हारे पास एच सी की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻²⁶, 1 बाय लैम्डा 1.8 × 10⁵, माइनस सेवन सेंटीमीटर में था वो, ओके, माइनस 1 बाय लैम्डा 0 2.76 × 10⁻²⁷। वापस मैं बोल रहा हूँ, वो मीटर में कन्वर्ट करके -7 आया, सही है कि नहीं, पक्का पक्का, गुड, ओके। अभी क्या करेंगे, 10⁻⁷ को बाहर निकाल लेंगे, तो 19.89 × 10⁻²⁶ और 10⁻⁷। तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन 1.8 - 1 अपॉन 2.76, तो 2.76 - 1.8 अपॉन 1.8 × 2.76, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अभी कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो 19.89 × 10⁻¹⁹, और उसको -19 ही रखो, क्योंकि तुमको जूल को बाद में ईवी में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आंसर किसने दिया हुआ है, ईवी में ना, हाँ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.76 - 1.8, 0.96 आ गया, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1.8, बराबर, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2.76, कितना आ गया, 0.19 हो गया, 0.19, और बाहर कौन था, 19.89, तो 19.89, तो क्या आ गया, 3.8434, तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, सब मिला के क्या आ गया, 3.84 × 10⁻¹⁹ जूल। इसको सिर्फ ईवी में कन्वर्ट करना है, तो इसको ईवी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1.6, तो 10⁻¹⁹ -19 तो वैसे भी होने वाला है कैंसल आउट, कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा आपका 2.45 के आसपास आएगा, ये डिवाइड बाय 1.6, तो 2.4,
तो 2.4 ev, क्या है आंसर? 2.4 ev। तो ये हो गया पार्ट वन खत्म। अभी पार्ट टू के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।